एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स में सेकेंड डे है। फर्स्ट डे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से मिला हमें, कंप्यूटर जो शब्द है उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसकी कंप्लीट विस्तृत रूप से मैंने उसको समझाया आप लोगों को। बिकॉज कंप्यूटर जो एक शब्द है, शब्द का कोई भी फुल नेम नहीं होता है, बट कंप्यूटर को समझने के लिए उसको विस्तृत तरीके से हमने आपको पिछली क्लास में समझाया। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर के उसे प्राप्त कर सकता है। आज की मेरी क्लास जो होगी वो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर के बेसिक को समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक संचालन को करता है। कहने का मतलब, कंप्यूटर में जब हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस इन कराते हैं, या कोई भी यूज़र कंप्यूटर में जो डेटा या इंस्ट्रक्शन इन करता है, कंप्यूटर से दिए गए इनपुट को क्रियान्वित करके उसका रिजल्ट तैयार करता है और उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्रेषित कर देता है। तो कहने का मतलब है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अंकगणितीय एवं तार्किक सूचनाओं को क्रियान्वित करता है। कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ मशीन दैट वी यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब है, कंप्यूटर को एक मशीन की तरीके से परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग निर्देशों की सूची के अनुसार डेटा में हेर फेर करने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब, जो भी हम निर्देश देते हैं उसमें उसको उसके कोड के आधार पर क्रियान्वित करके उसका रिजल्ट तैयार करना, ये कंप्यूटर का वर्क है। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर करने का मतलब कंप्यूटर की ताकत, कंप्यूटर जो वर्क करता है उसके अंदर गुण क्या क्या हैं, उसकी ताकत क्या है। आज के समय में कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेंथ। हमने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर आज के टाइम में, कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र परे नहीं रह गया है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है, चाहे वो जिस टाइप की फील्ड हो। अभी हम आपको उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ पावर जो है वो हम आपको समझाते हैं। देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की जो क्षमता है, जो उसका उसकी ताकत है, उसको हम समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर विच आर एज फॉलोज, नीचे जो दिए गए हैं उसको मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। थोड़ा आप केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट देखते हैं स्पीड। स्पीड मतलब आप जानते हैं गति होता है, कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। कंप्यूटर बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड्स। कहने का मतलब, कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी मैथमेटिकल्स या दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, दिए हुए आपके प्रॉब्लम्स को, मिलियंस प्रॉब्लम्स को एक सेकेंड में या कुछ सेकेंड्स में ही वो कैलकुलेट कर देता है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वह बहुत तेज होती है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने की जो यूनिट होती है उसे हम MIS कहते हैं। MIS मीन्स होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सेकेंड हम देखते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वयं चालित क्रियाएं। कंप्यूटर जो है वो ऐसी मशीन है
जो ऑटोमेटिक वर्क हो जाता है, जो स्वयं चालित होता है, उसको केवल आपको इंस्ट्रक्ट करना होता है, उसको केवल आपको पावर ऑन करना होता है, उसमें आपको केवल प्रोग्राम करना होता है, उसके पास सारा काम वो खुद करता है। आज के टाइम में डेली लाइफ में आप देखें तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हमारे दैनिक जीवन में हैं जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आती हैं, टेलीविजन्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं और जिसमें कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग किया गया होता है, उसमें प्रोग्राम डिफाइन किया गया होता है जिससे वो ऑटोमेटिक आपके वर्क को बड़े आसानी से कर देते हैं। तो कंप्यूटर की क्षमता यह भी है कि वो स्वयं चालित क्रियाएँ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्यूरेसी। कंप्यूटर में सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है कि किसी भी काम को ये बहुत ही एक्यूरेट करता है, किसी भी काम को एकदम सही तरीके से करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम, कोई भी कैलकुलेशन ये त्रुटि नहीं करता, उसमें कोई भी कैलकुलेशन इसका तो त्रुटि रहित होता है। इसमें इतनी परिशुद्धता होती है, इसके रिजल्ट्स इतने क्लियर होते हैं कि उसमें भी कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का ये भी गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आ जाने के नाते हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जिसे हम मेमोरी कहते हैं, मेमोरी आप जानते हैं, हमारे मेमोरी सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेमोरी वैसे दो प्रकार से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करूंगा जिससे मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उच्च भंडारण की क्षमता होती है इसमें, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब बिलियंस और मिलियंस और बिलियंस वर्ड्स हम इसमें संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, साउंड है, वीडियोज़ है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। इसलिए कंप्यूटर की यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी मानी जाती है, जिससे हम कंप्यूटर में स्टोर किया डाटा कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्सेटिलिटी। कहने का मतलब इसकी एक अलग प्रतिभा है, इसमें किसी भी विषय को विचारने की क्षमता है। आप जानते हैं कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर दिया गया है, जिससे वो विचार करने योग्य हो गया है। कंप्यूटर में उसकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा है कि इसमें कंप्यूटर प्रतिभा का मतलब हो गया इसका हर एक क्षेत्र में आप यूज़ देखते हैं। इसमें बहुत टाइप की डिवाइसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं, उससे हम अलग अलग तरीके का ऑपरेशंस प्राप्त करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर्स हैं, मॉडेम्स हैं, इनके माध्यम से हम इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, या हम कुछ भी डाउनलोड अपलोड करते हैं, मेल्स वगैरह करते हैं। तो मतलब ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी आप लोगों को कहा है, इस वीडियो को आप बहुत ही केयरफुली लेंगे, क्योंकि ये ही कंप्लीट देखा जाए तो इसकी कंप्लीट पावर है कंप्यूटर की, जो हम इसमें आपको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है कर्मठता या परिश्रम हम कह सकते हैं। कंप्यूटर जो है, चूंकि एक कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन को जब तक मशीन कोई भी काम बिना थके हुए करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो लगातार काम कर रहा है तो उसे थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स चाहिए। अगर वो लगातार काम करता रहेगा तो वो थक जाएगा, उसके अंदर कमजोरी हो जाएगी, उसको वीकनेस होने लगेगा। आगे चल के अगर वो लगातार एक्यूरेट काम कर रहा है तो वो उसको बुखार, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, वो बीमार हो सकता है। बट कंप्यूटर बिना किसी भी रिलैक्सेशन के, बिना थके हुए, बड़े ही परिश्रम के साथ आपके काम को करता रहता है। आज के टाइम में हर एक बड़ी कंपनी में कंप्यूटर को ही एक वर्कर के स्थान पर, कंप्यूटर को हम आप जानते हैं रोबोट्स वगैरह हैं, जो कि कंप्यूटर वर्क को बहुत ही मेंटेन कर देते हैं, कंप्यूटर के आपके प्रोडक्शन को भी गेन करा देते हैं। तो इसका डिलीजेंस जो है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कोई भी मशीन बिना थके हुए आपके काम को निरंतर करती रहती है, जिससे आपके प्रोडक्शंस इम्प्रूव हो जाते हैं। तो कंप्यूटर का एक बहुत ही मेन पॉइंट है डिलीजेंस, जिसमें उसमें बहुत ही कर्मठता होती है, जिससे वो अपने काम को लगातार बिना थके हुए, बिना रुके, बिना किसी प्रकार के आपसे रिलैक्स लिए वो काम को करता रहता है। अगला है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर कोई भी काम बड़ी विश्वसनीयता के साथ करता है, बड़े एक्यूरेट ढंग से करता है। कहने का मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं उस पर ये बहुत ही विश्वसनीयता से, बड़े ही ईमानदारी के साथ आपके वर्क को
करता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करके उसका कंप्लीट रिजल्ट आपको देता है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि इसकी एक्यूरेंसी, कोई भी काम बड़े एक्यूरेट ढंग से करता है, इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, इस किसी भी काम को बड़ी विश्वसनीयता के साथ कर सकता है। तो आपने देखा ये कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स के नाते कंप्यूटर का यूज आज हर एक क्षेत्र में देखा जाता है। कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र परे नहीं रह गया है। कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही इसका यूज़ है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिसीमा। कंप्यूटर, माना कि कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में है, कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र परे नहीं है, हर एक प्रकार के बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ है, लेकिन कंप्यूटर की भी एक सीमा है, जहाँ चूंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो मशीन ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया हुआ है, ह्यूमन के इंटेलिजेंस से कंप्यूटर का इंटेलिजेंस हमेशा कम रहेगा। तो उसकी कुछ लिमिटेशन है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप समझें। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कहने का मतलब बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर बुद्धिमान है, बट आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के सामने उसकी बुद्धिमत्ता कम है, क्योंकि कंप्यूटर को जब तक कोई भी यूजर उस पर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। कंप्यूटर अपनी बुद्धिमत्ता से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वही कंप्यूटर उसी पर वर्क करता है। हाँ, वो काम वो बहुत ही एक्यूरेट ढंग से करता है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रखता है, लेकिन खुद अपनी बुद्धि को वो इस्तेमाल नहीं करता है, वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ कॉमन सेंस। कंप्यूटर में व्यवहारिक बुद्धि की भी कमी होती है। कहने का मतलब, यदि हम कंप्यूटर, जैसे आप जानते हैं रोबोट है, और आज के टाइम में बड़ी जगहों पर रोबोट एक वर्कर की तरीके से काम कर रहा है, तो कॉमन सेंस की कमी आज के कंप्यूटर में कैसे, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक रोबोट है, अब मेरा कंप्यूटर है, उसको मैंने भेजा कहा मार्केट से फल ले आओ, तो वो क्या किया, उसको हमने पैसा दिया, वो मार्केट में गया और उसने फल खरीदा, मार्केट गया और मार्केट से फल खरीदा। चूंकि मैंने उतना ही उसको समझाया हुआ था, वापस रिटर्न आने के लिए मैंने उससे नहीं कहा, मैंने उसको वह प्रोग्राम ही नहीं किया उसके अंदर कि आप मार्केट जाओ और फिर मार्केट से वापस यहीं पर आ जाना, ऐसा कुछ हमने उसमें प्रोग्राम नहीं किया। तो कंप्यूटर इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाएगा कि हम जहां से गए थे वहां हमें फिर से वापस आना है। कहने का मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है। कहने का मतलब एक है कि कंप्यूटर को जितना ही हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उतना ही वो करता है, अपना सेंस वो वहां पर इस्तेमाल नहीं करता है। तो कंप्यूटर में एक कमी ये भी है कि उसमें व्यवहारिक बुद्धि की कमी है, उसमें कॉमन सेंस की कमी है। नेक्स्ट है आपका अनेबलिंग सेल्फ प्रोटेक्शन। चूंकि वो एक मशीन है जो कि अपने संरक्षण में असमर्थ है, वो अपने प्रोटेक्शन को नहीं करता है, जो यूजर है उसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे मेरा नाम महेंद्र पांडे है, अगर मैं अपना मेल अपने लैपटॉप में या किसी भी साइबर कैफे में जाऊं और अपना मेल मैंने ओपन करा, उस पर वर्क किया और मैं घर आ गया, मैंने अपने किसी भी मित्र को ये अपना मेल और पासवर्ड बोल दिया, तो वो उसी सिस्टम पर जा करके अब वही मेल आईडी और पासवर्ड डालेगा, तो कंप्यूटर उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो ये नहीं समझेगा कि ये कोई दूसरा व्यक्ति। कंप्यूटर को बस वो चीज़ें चाहिए जैसे मेल आईडी और पासवर्ड उसे चाहिए। जब हम मेल आईडी और पासवर्ड दे देंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारे ईमेल को एक्सेस करा देगा, उसे ओपन कर देगा। कहने का मतलब वो सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। जैसे आप एटीएम है, एटीएम में आप अपने एटीएम से आप जा करके अपना कार्ड लगा करके आप पैसा निकालते हो, बट आपका एटीएम किसी दूसरे के पास है और चोरी से वो आपका कोड मालूम हो गया उसको, तो वो भी जा करके आपके एटीएम से पैसा निकाल लेगा, वो एटीएम मशीन उसको नहीं रोकेगा, बिकॉज उसे वो कोड और उसके पास वो कार्ड अवेलेबल है। इसलिए कहा जाता है कि ये इसमें एक सेल्फ प्रोटेक्शन का कमी है, जो अपने संरक्षण में असमर्थ होता है कंप्यूटर। तो ये कुछ ऐसे इसके लिमिटेशन हैं जहां कंप्यूटर
इसे चाहे आप कमी कह सकते हैं, यही कुछ ऐसी कमियां हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इस कार्य को करने में वो असमर्थ है। जैसे कंप्यूटर में इंटेलिजेंस की कमी होती है, मतलब बुद्धिमत्ता की कमी होती है, व्यवहारिक बुद्धि की कमी होती है, तथा वो सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। तो आज की क्लास मैंने आपको बताया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या हैं। ये बेसिक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, तथा अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के थैंक यू, जय हिंद।